फ्रेंड्स, मैं गीता वर्मा गीता के नू लाइफस्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और सोशल मीडिया पर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पिंपल्स की। पिंपल्स बहुत सारी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो कि रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आप पिंपल्स पे वीडियो बनाइए। तो मुझे एट लास्ट लेकर आनी पड़ी ये वीडियो। बहुत सारे आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, पिंपल्स एक दिन में गायब हो जाए, ऐसी ये चीज लगा लीजिए एक दिन में ठीक हो जाएगा, ये चीज लगा लिए गायब हो जाएंगे। तो मैं खुद इस सिचुएशन को झेल चुकी हूँ। जब मैं टीन एज में थी तो मुझे भी बहुत ज्यादा पिंपल्स होते थे, मेरे भी जो निशान है वो रह जाते थे। तो मैं क्या करती थी, किस तरीके से उन्हें मैंने ट्रीट किया, और आप मेरे स्किन अगर देख पा रहे हो पास से तो बिल्कुल भी निशान नहीं है, बिल्कुल क्लियर स्किन है। तो ऐसा मैंने क्या यूज किया, कैसे मेरी जो स्किन है वो इतनी क्लियर हो गई और कैसे मेरे पिंपल्स ठीक हो गए, तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाली हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने पिंपल्स को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे उनके निशान मिटा सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिंपल्स होते क्यों हैं, क्या कारण होते हैं पिंपल्स होने के। तो यहाँ पे हम बात करने वाले बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है वो जेनेटिक होता है। अगर आपके पेरेंट्स के कभी पिंपल्स हुए हैं तो बच्चों को बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं पिंपल्स होने के। या फिर सेकंड हम बात करेंगे ऑयली स्किन की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ऑयली स्किन होती है, उसकी वजह से क्या होता है, जो आपके फेस पे ओपन पोर्स होते हैं उनमें ऑयल जमा होता जाता है, और जब ऊपर से धूल मिट्टी उस पर जमा होती है तो वो ऑयल से चिपक के वो जो ओपन पोर्स है वो हमारे ब्लॉक कर देती है और वहां पे इंफेक्शन हो जाता है, जर्म्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पिंपल्स हो जाते हैं। तो एक कारण हुआ जेनेटिक, सेकंड हुआ ऑयली स्किन, थर्ड होता है टीनेज। टीनेज में क्या होता है, हमारी स्किन में बहुत सारे पिंपल्स हो जाते। क्यों हो जाते, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी बॉडी है उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जब कोई भी बच्चा टीनेज में आता है तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, हार्मोन चेंजेस होने शुरू आते हैं, बहुत सारे नए नए हार्मोन्स बनने लगते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से भी आपके पिंपल्स हो जाते हैं। तो वो एक नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे टीनेजर्स को होते हैं, तो उसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जैसे ही आपकी टीनेज जाती है वो पिंपल्स ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका भी मैं क्योर बताऊंगी कि अगर आप चाहते टीनेज में है किस तरह से आपके पिंपल्स ठीक हों, तो उसके लिए मैं आपको बहुत सारे क्योर बताने वाली हूँ, बहुत सारे घरेलू रेमेडीज बताने वाली हूँ। तो फोर्थ जो कारण होता है वो होता है कोई भी बीमारी हो जाए, डिजीज हो जाती है कई बार, उसकी वजह से हम जब हम बहुत सारी दवाइयां खाते हैं, दवाइयों की गर्मी हो जाती है शरीर में, तो उसकी वजह से भी हमें बहुत बार पिंपल्स हो जाते हैं। तो इस क्या होता है कि जब वो डिजीज ठीक हो जाती है, जब हम दवाइयां खाना बंद कर देते हैं तो पिंपल्स ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। तो एंड है फिफ्थ है, जब कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी में भी हमें पिंपल्स हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे भी बहुत सारे पिंपल्स हो गए थे, पर जैसे जैसे प्रेगनेंसी के डेज बढ़ते गए, मुझे आई थिंक थर्ड मंथ में बहुत सारे पिंपल्स हो गए थे, उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता जा रहा था उसके बाद मेरे पिंपल्स ऑटोमेटिकली ठीक होते जा रहे थे। रॉन्ग डाइट, यानी कि जो हम खाते हैं, बहुत बार क्या होता है हम लोग बाहर का खाते हैं, जब मन किया बाहर का खा लिया, ऑयली खा लिया, तो ये सब चीजें क्या होती है हमारी स्किन में बहुत ज्यादा, एक तो ऑयली खाया, बहुत ज्यादा फैट जमा हो जाता है हमारे बॉडी में, और उससे क्या होता है हमारी ऑयली स्किन और ज्यादा ऑयली हो जाती है, ऑयल रिलीज करने लगती है, और जो हम बाहर का खाना खाते हैं वो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं होता है, साफ नहीं होता है, तो बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी बाहर का खाना ना खाएं अगर आपके एक्ने प्रोन स्किन है, अगर आपके पिंपल्स हैं, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, बाहर का खाना आपके लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। जब तक आपके पिंपल्स हैं तो बिल्कुल इसे अवॉइड करें, ऑयली खाना, बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं। पिंपल्स जो होते हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें बताते हैं आप ये लगा लीजिए, ये आपके पिंपल्स एक दिन में गायब हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ये रेमेडी, वो रेमेडी, बहुत सारी रेमेडीज आप देखते होंगे, पर मेरे हिसाब से जो पिंपल्स होते हैं वो सिर्फ ऊपर से लगाने से ठीक नहीं होते हैं,
उसके लिए आपको अपने ब्लड को भी साफ करना पड़ता है, अपनी बॉडी को भी साफ करना पड़ता है। दोनों तरफ से जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके जो पिंपल्स हैं वो अंदर से ही खत्म होना शुरू हो जाएंगे। अब अगर आप ऊपर से सिर्फ लगा लेते हैं तो उस टाइम तो वो पिंपल बैठ जाता है, हो सकता है कि ठीक हो जाए, पर जरूरी नहीं है कि नया पिंपल ना निकले। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ब्लड को, अपनी बॉडी को अंदर से साफ करना पड़ेगा ताकि जो हमारी बॉडी है वो एक्स्ट्रा ऑयल रिलीज ना करे, हमारा जो ब्लड है वो साफ हो जाए, बहुत सारे टॉक्सिन जो हमारी बॉडी में है वो सब निकल जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खाना अच्छा खाना पड़ेगा। आप फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, बहुत अच्छी सी चीजें भगवान ने बनाई है वो आप ले सकते हैं डाइट में। और ब्लड अगर प्योरीफाई करना चाहते हैं, मैं लेती थी साफी, जो पता नहीं अब मिलता है नहीं मिलता, शायद मिलता होगा। तो उससे क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है वो अंदर से साफ होता है, जो उसमें टॉक्सिन्स हैं वो अंदर से साफ होते हैं। तो आपको लेना है साफी या फिर कोई भी ब्लड प्योरीफायर जो इस टाइम मार्केट में अवेलेबल हो। हमारे टाइम पे साफी आता था, बहुत अच्छा होता था, तो मैं पीती थी साफी। थोड़ा सा कड़वा होता है पीने में, पर आप उसे पियेंगे तो जो आपका ब्लड है वो अंदर से साफ होगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो आपके पिंपल्स निकल रहे हैं बार बार वो निकलना कम हो जाएंगे। जब आपका ब्लड साफ होगा तो पिंपल्स आपके कम हो जाएंगे। ऊपर से भी आपको ट्रीटमेंट करना है, पर पहले अंदर से करना है, पहले अंदर से अपने बॉडी को साफ करना है ताकि आपका जो ब्लड है वो साफ हो जाए और आपके बिल्कुल भी नए पिंपल्स ना निकले। घरेलू नुस्खा है वो आप कर सकते हैं, आप लीजिए चंदन का पाउडर जो कि आपको किसी भी केमिस्ट की दुकान पे मिल जाएगा या फिर कॉस्मेटिक स्टोर पे मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल थोड़ा सा चंदन का पाउडर लेना है, उसमें मिलाना है थोड़ा सा शहद, बिल्कुल एक पेस्ट फॉर्म में आपको बनाना है इसे, और फिर उसके बाद इसे पिंपल पे लगा लीजिए। जहां जहां आपके पिंपल हो रहे सिर्फ उतने एरिया पे आपको इसे लगाना है, और इसे कम से कम 20-25 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ड्राई होने के लिए। और उसके बाद क्या करना है, आपको गीले कॉटन से आपका अपना फेस साफ कर लेना है। तो इसको आप एक दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप देखेंगे जो आपका पिंपल है वो बैठना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। और अंदर से आप साफ करने के लिए अच्छी अच्छी चीजें खाएं, साफी पिएं, तो जब दोनों तरफ से आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके जो पिंपल्स हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और नए पिंपल्स बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। पेस्ट लगा सकते हैं, नीम के पत्तों को आपको क्या करना है, पेस्ट बना लेना है, और उस पेस्ट को आप लगा सकते हैं अपने पिंपल्स पे। उसे आप पूरी रात लगाकर छोड़ दीजिए, सुबह अपने फेस को धो लीजिए। नीम के पत्ते क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एंटीबैक्टीरियल होते हैं, जितने भी जर्म्स होंगे उन्हें वो मार देंगे, और उसके बाद जो आपके पिंपल्स हैं वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली सूखने शुरू हो जाएंगे। तो आप नीम के पत्तों को बिल्कुल पेस्ट बना लीजिए और उसके बाद उन्हें अपने पिंपल्स पे अप्लाई कर लीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, नीम के पत्तों और पुदीना के पत्तों को आपस में पीस लीजिए, एक चटनी की तरह बना लीजिए, और इस पेस्ट को भी आप अपने पिंपल्स पे लगा सकते हैं। और मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तो आप अपना फेस धो लीजिए, उसके ऐसा आपको डेली करना है रात के टाइम, और कुछ दिनों में ही आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। थर्ड रेमेडी है, आप यूज कर सकते हैं मुल्तानी मिट्टी 1 चम्मच, 1 चम्मच नीम के पत्तों का पेस्ट, 1 चम्मच नींबू का रस, और 1/2 टीस्पून उसमें हल्दी पाउडर ऐड कर लीजिए। एक पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को आप अपने पिंपल्स पे लगा लीजिए, जहां जहां पर आपके पिंपल्स है, पूरे फेस पे आपको नहीं लगाना है, सिर्फ पिंपल्स जहां जहां पे वहां पे लगा लीजिए। 15-20 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए और खाली पानी से उसके बाद आप मुंह धो सकते हैं। ऐसा आप जब डेली करेंगे तो आपके जो पिंपल्स है बहुत जल्दी सूखने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी रेमेडीज है, आप इन्हें ट्राई करिएगा। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आप एक दिन लगाएंगे और एक दिन में आपके पिंपल्स गायब हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता है। धीरे धीरे जो पिंपल्स होते हैं वो सूखना शुरू होते हैं, जब उनके जर्म्स मर जाते हैं, जब हम ये इस तरह की ट्रीटमेंट करते हैं तो उनके जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं, उसके बाद वो पिंपल सूखना शुरू होता है। तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा टाइम लगता है, एक दिन में कभी भी पिंपल गायब नहीं होता है। तो इन रेमेडीज को आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। और अब अपनी डाइट को भी आपको ठीक करना है, साफी पी सकते हैं। मैं साफी पीती थी, बहुत सारे ब्लड प्यूरिफाइंग सिरप्स आते हैं, हमारे टाइम में साफी आता था, हो सकता है कि अब ना आता हो,
आप पता कर सकते हैं केमिस्ट की शॉप पे, अगर साफी आता है तो उसे आप दो टाइम पीजिए, बिल्कुल सुबह शाम आप उसे ले सकते हैं। आपकी जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होगी अंदर से, और जो अंदर से आपकी जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो खत्म होना शुरू होगी। अगर आप सिर्फ ऊपर से ट्रीटमेंट करेंगे तो पिंपल्स आपके ऊपर से तो बैठ जाएंगे पर नए नए बिल्कुल निकलते रहेंगे। अगर आप दोनों तरफ से ट्रीटमेंट करेंगे, अंदर से भी और ऊपर से भी, तो आपके जो नए पिंपल्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे और ऊपर वाले जल्दी से सूख कर ठीक हो जाएंगे। जब आपके पिंपल्स होते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको अपने पिंपल्स पे टच नहीं करना है। अगर आप इधर टच करेंगे, दूसरी उसी हाथ से दूसरी जगह टच करेंगे तो यहाँ की जो पानी है उसका वो दूसरी साइड लग जाएगा और इस तरीके से आपके जो पिंपल्स हैं वो फैलते जाएंगे और उससे क्या होगा कि आपके जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। सेकेंड है, हम लोग क्या करते हैं उसे दबा देते हैं, उसकी जो पस है वो निकाल देते हैं। इससे भी क्या होगा, आपके पिंपल्स फैलेंगे और आपके जो पिंपल्स के निशान है वो बहुत ज्यादा आपके फेस पे आ जाएंगे। तो बिल्कुल भी आपको पिंपल्स को दबाना नहीं है, बस ये जो मैंने होम रेमेडीज बताई हैं वो आप ट्राई कीजिए और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जो आपके पिंपल्स हैं वो सूखना शुरू हो जाएंगे, आपको दबाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको अपने जो पिंपल्स हैं उन्हें बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, दबाना नहीं है। अपने फेस को आपको वॉश करना है, किससे वॉश करना है, साबुन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। साबुन से क्या होता है, आपके पिंपल्स और ज्यादा फैल जाते हैं, आपकी जो कंडीशन होती है वो और ज्यादा वर्स हो जाती है। साबुन बिल्कुल नहीं यूज करना है। फेस वॉश यूज करना चाहते हैं, नीम फेस वॉश कोई सा भी यूज कर सकते हैं जो भी आपको सूट करता हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं फिटकरी। फिटकरी को पीस लीजिए, उसका पानी में एक घोल तैयार कर लीजिए और उससे अपने फेस को आप धो सकते हैं। जो फिटकरी होती है बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक होती है। आपने देखा होगा पहले जमाने में क्या होता था, जब भी जेंट्स लोग शेव करते थे उसके बाद फिटकरी लगाई जाती थी फेस पे, ताकि जहां पे भी कट लगे हों वहां पे जब वो फिटकरी लगेगी तो वहां पे जर्म्स नहीं आएंगे। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, जब आप अपना फेस धोएंगे फिटकरी से तो आपके जो जर्म्स हैं, जो पिंपल्स में जर्म्स इकट्ठे हो गए हैं वो सारे दूर हो जाएंगे और पिंपल्स आपके ऑटोमेटिकली सूखने शुरू हो जाएंगे। ये नहीं कर सकते, सेकेंड है नीम के पत्ते लीजिए, उसे बॉयल कर लीजिए, उसका जो पानी है उससे आपको अपने फेस को धोना है। तो उससे भी जब आप बार बार अपने फेस को धोएंगे तो आपके जो जर्म्स हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे, आपके पिंपल्स बहुत जल्दी सूख जाएंगे। तो इस तरीके से आप या तो नीम फेस वॉश कोई सा भी यूज करिए, या फिटकरी का पानी यूज कर सकते हैं, नीम का पानी यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको प्रिकॉशन लेना है वो है कि आप अपने फेस को 3 से 4 बार जरूर धोइए। क्या होता है कि जब हमारी ऑयली स्किन होती है तो ऑयल बार बार हमारे ओपन पोर्स में इकट्ठा हो जाता है। जब हम फेस धोएंगे तो वो ऑयल इकट्ठा नहीं होगा, डस्ट नहीं चिपकेगी उन पोर्स में, डस्ट नहीं इकट्ठी होगी, इसके इससे जर्म्स नहीं होंगे और जर्म्स नहीं होंगे तो पिंपल्स नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए अपने फेस को 3 से 4 बार जरूर धोएं, ताकि जितनी भी गंदगी आपके फेस पे लगी हुई है, जितना भी ऑयल है वो सारा निकल जाए, तो आपकी जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। तो अगर इन सारी बातों को आप फॉलो करेंगे तो आपके जो पिंपल्स है बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप जिस तरीके से मेरी स्किन देख रहे हैं बिल्कुल आपकी स्किन ऐसी हो जाएगी। मैंने भी सारी ये जो टिप्स है ये मेरी मम्मी ने बताई मुझे, तो ये सारी मैंने फॉलो की और तभी मेरे जो पिंपल्स के निशान है वो अभी तक आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, मेरी जो स्किन है वो काफी क्लियर है। थोड़े बहुत जो निशान पड़ भी गए थे तो उसके लिए मैंने यूज की इरेजर क्रीम, या बहुत सारी आपको क्रीम्स मिल जाएंगी केमिस्ट की शॉप पे, कोई पर्टिकुलर क्रीम मैं नहीं बोल रही हूँ, आप वहां पे दाग मिटाने की बहुत सारी क्रीम्स आती हैं, मैंने यूज की थी इरेजर क्रीम आती थी जो कि पिंपल्स के निशान मिटाने के लिए, वो मैं यूज करती थी, उससे काफी हद तक जो मेरे पिंपल्स के मार्क्स है वो साफ हो गए थे। तो आप इस तरह से कोई भी क्रीम यूज कर सकते हैं अगर आपके पिंपल के मार्क्स हो गए हैं। तो आप इन सारी अगर बातों को फॉलो करेंगे तो आपके पिंपल्स बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और सोशल मीडिया पर। तो फिर मिलती हूँ एक नई इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।